आज मैं बिल्कुल मार्केट के तरफ गुलाब जामुन का पाउडर घर पे बनाकर तैयार करने वाली हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है और उसका फिर गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप चीनी और एक कप पानी ले लिया है। तो यहाँ जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी ले लेना है। चीनी को घुलने देंगे। चीनी यहाँ पे घुल चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो आधा चम्मच जितना इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसके चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चाशनी बनाने के लिए हमें तार वाली या गाढ़ी चाशनी बनाकर नहीं तैयार करना है, हल्का सा चिपचिपा चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे गुलाब जामुन में रस अंदर तक एब्जॉर्ब कर पाए। थोड़ी देर पकने के बाद चाशनी को हम चेक कर लेंगे। बीच बीच में चाशनी को चेक करते रहें। तो थोड़ा सा चाशनी लेंगे, हल्का सा जैसे ही ये ठंडा हो जाए, फिर दो उंगलियों के बीच में रख के देखें। जैसे ही ये हल्का सा चिपचिपा लगे तो चाशनी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाशनी ले लिया, हल्का सा ठंडा कर लेंगे और दो उंगलियों के बीच में इस तरह से छू के देखें। तो देखिए हल्का सा चिपचिपा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चिपचिपा नहीं लग रहा है और तार भी नहीं बन रही है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, जिससे चाशनी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी नहीं होती है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है, चाशनी बनकर तैयार हो चुका है। अब एक बाउल में हाफ कप जितना मिल्क पाउडर ले लेंगे, तीन चम्मच इसमें मैदा डालेंगे, डेढ़ चम्मच सूजी डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच जितना मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दिया है, पिंच भर जितना बेकिंग सोडा डालें, और फ्रेश एक चम्मच हम दही ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे पहले भी मिक्स कर सकते हो। बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार करें, क्योंकि इसमें हम सूजी डाले हुए, सूजी जैसे ही फूलेगा डो जो है वो हार्ड हो सकता है, इसीलिए सॉफ्ट डो लगा कर तैयार करें। गुलाब जामुन के लिए जितना डो सॉफ्ट बनाकर तैयार करेंगे उतना बॉल्स जब हम बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स दरारें नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। 10 मिनट यहाँ पे हो चुका है, सूजी फूल चुका है और आप डो जो देख रहे हैं वो पहले से काफ़ी थोड़ा सख्त हो चुका है। इस पे डाल देंगे एक चम्मच जितना घी। हमें इतना डो को सॉफ्ट बनाना है ताकि जब सूजी फूले तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड ना हो। तो इसे हम मिक्स करते हुए मसलते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसे मसलते हुए मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लें और इसके बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसा आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हो उस हिसाब से इसका बॉल्स बना सकते हो। तो फ्राई करने के बाद ये साइज में बड़ा हो जाता है और चाशनी में डालने के बाद और भी ज़्यादा बड़ा। तो उसी हिसाब से आप गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसमें से हम थोड़ा सा बॉल्स ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा सा साइज का बॉल्स लिया है। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से गुलाब जामुन बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी क्रैक्स दरारें ना रहे। तो सभी इसी तरीके से बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। यहाँ तेल गर्म हो चुका है। तेल को हमें हल्का गर्म करना है। इसमें 1 से 2 चम्मच मैंने घी मिक्स कर दिया है ताकि गुलाब जामुन में घी का फ्लेवर आ जाए। देखिए जैसे हम बॉल्स डाल रहे हैं तो हल्का हल्का बबल्स आ रहा है। बस इतना ही तेल को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, एक एक करके इसमें बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स डालने के बाद तुरंत टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद जैसे लगे कि बॉल्स हल्का सा पक चुका है तब ऊपर से तेल डालेंगे और इस तरह से घुमाते हुए गुलाब जामुन को अच्छा फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। गुलाब जामुन को चारों तरफ से घुमाते हुए फ्राई करेंगे, हल्के हाथों से घुमाएं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो आप कितना ज़्यादा गुलाब जामुन को डार्क रखना चाहते हो। तो जैसे ही गुलाब जामुन फ्राई हो जाए इसे हम डालेंगे चाशनी में। चाशनी हल्का सा गर्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं रहना चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो चाशनी को गर्म कर लें। चाशनी में गुलाब जामुन को अच्छी तरीके से डुबो देंगे और इसे आधे से 1 घंटे के लिए इसी तरह इसमें छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन अच्छी तरीके से रस एब्जॉर्ब कर पाए।
एक घंटा हो चुका है, गुलाब जामुन को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से मैं डाल दे रही थोड़ा सा चाशनी और आप देख सकते हो गुलाब जामुन साइज में कितना काफ़ी बड़ा हो चुका है। अंदर तक रस अच्छा एब्जॉर्ब कर चुका है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। देखिए आप देख सकते हो जब मैं इसे दबा रही थी कैसे स्पंज जैसा हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाता है। आप घर पे ही पाउडर बना के तैयार कर सकते हो। इतनी अच्छी पाउडर जब घर पे बनकर तैयार हो सकता है तो बाज़ार से क्यों लाना। बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार होता है, तो आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।